दोस्तों मार्केट में आप जब भी लैपटॉप लेने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स को देख करके आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है। पहले ये कन्फ्यूजन ज़रा कम था, लेकिन अब ये कन्फ्यूजन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अब कुछ ऐसे ब्रांड्स मार्केट में आ गए हैं कि जिनका कोर काम लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इन ब्रांड्स को आप जानते तो बहुत पहले से हैं, लेकिन लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं। अब देखिए, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में दो तरीके के ब्रांड्स होते हैं। पहले वो जो कोर लैपटॉप मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि डेल, HP, लिनोवो, एसर, MSI और गीगाबाइट। MSI और गीगाबाइट थोड़ा सा जो है वो अपवाद भी है, क्योंकि दोनों कंपनियाँ जो हैं वो कोर मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, लैपटॉप नहीं। और दूसरी हैं हॉनर, रियलमी, शाओमी, ज़ेप्रोनिक्स, इन्फिनिक्स, आईबॉल एट्सेट्रा। ये कंपनियाँ या तो एक्सेसरीज बनाती हैं या मोबाइल। कोर बिजनेस इनका लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अगर किसी लैपटॉप का एक छोटा सा भी स्पेयर नहीं मिलता है ना, तो पूरा का पूरा लैपटॉप ही बेकार हो जाता है, उसे कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ता है। तो दोस्तों, जो स्पेयर पार्ट्स हैं ना लैपटॉप की अवेलेबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमने आईबॉल के केस में देखा कि जो लैपटॉप कंपनी ने बना तो दिए, लेकिन ना उनके अडेप्टर मार्केट में थे, ना उनकी बैटरीज मार्केट में थी, ना उनके कीबोर्ड्स मार्केट में थे। जो पुराने उनके यूज़र्स थे, जिन्होंने उनके लैपटॉप्स खरीदे थे, वो सारे के सारे जो है वो बेकार हो चुके हैं। ऐसा ही दोस्तों जो है वो अविटा के केस में भी है। अब कंपनी की सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम है लैपटॉप की, और स्पेयर पार्ट जो है वो मार्केट में जो है वो बिल्कुल ना के बराबर अवेलेबल है। तो होता ये है कि जिन लोगों ने लैपटॉप्स अविटा के ले लिए हैं या जो ख़रीद रहे हैं सस्ते के चक्कर में, उनको आउट ऑफ वारंटी स्पेयर पार्ट्स की बहुत दिक्कत हो जाती है। अब देखिए, इन लैपटॉप की परफॉर्मेंस को लेकर के मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि SSD डालने के बाद ना ड्यूल कोर लैपटॉप भी सही परफॉर्म करने लग जाता है। तो परफॉर्मेंस तो आपको इन लैपटॉप से ठीक ठाक ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई परफॉर्मेंस बिल्कुल प्राइस वैल्यू के हिसाब से जो है वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, या प्राइस वैल्यू के हिसाब से कम परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो परफॉर्मेंस लेकर यहाँ पे जो है वो इशू नहीं है। जो यहाँ पे इशू है वो लैपटॉप के स्पेयर्स को लेकर के है। अभी मेरे हाल फिलहाल में क्या हुआ कि एक मेरे पास कस्टमर आया, उसका जो था वो शाओमी की बुक थी, और उसको डिस्प्ले उसकी जो है वो नहीं मिल रही थी। मार्केट में तो उसके डिस्प्ले जो है वो बहुत मुश्किल से ही अवेलेबल है, और सर्विस सेंटर से वो डिस्प्ले उसको काफ़ी कॉस्टली पड़ रही थी, और सर्विस सेंटर उस डिस्प्ले को डालने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा था। वहीं अगर आप देखोगे तो मेरा ना HP का लैपटॉप है, HP पवेलियन गेमिंग सीरीज़ का। तो उसमें क्या हुआ, मैं 3-4 तरीके का लैपटॉप यूज़ करता हूँ। तो उस गेमिंग लैपटॉप में मदरबोर्ड का इशू आया, तो मदरबोर्ड मैंने कंपनी से जो है वो रिप्लेस करा लिया। उसके बाद उसके USB पोर्ट चलने बंद हो गए, तो फिर मैंने USB पोर्ट के लिए जो है वो सर्विस कॉल रेज करी। वहाँ पे कंपनी ने तुरंत जो है वो उसके जो है वो USB पोर्ट चेंज कर दिए, जबकि वो वाला जो मॉडल है कंपनी ने वाला मॉडल भी डिसकंटिन्यू कर दिया, उसकी जगह अब नए मॉडल्स आ गए हैं। लेकिन देखिए कि यहाँ पे जो ये कोर ब्रांड्स होते हैं ना, इनमें यही डिफरेंस होता है कि जो मॉडल बंद कर दिया उसके भी स्पेयर पार्ट जो है वो कंपनी के पास अवेलेबल हैं। अगर कंपनी के पास भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लैपटॉप अगर वारंटी में है तो आप कंपनी को ही अप्रोच करेंगे। और HP ने बहुत जल्दी मेरे को रिस्पॉन्ड दिया। हालांकि एक कमी मुझे लगी कि जो उनका इंजीनियर आया था लैपटॉप को फिक्स करने के लिए, उसने मेरे लैपटॉप के जो वेंटिलेशन वेंट्स थे वो तोड़ दिए। फिर मैंने दोबारा कंपनी को मेल किया, तो उन्होंने वो वेंटिलेशन वेंट्स भी जो है वो चेंज कर दिए। तो अगर आप कोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जाते हो, तो यहाँ पे जो है वो आपको यही बेनिफिट मिलता है कि कंपनी के एक तो स्पेयर पार्ट आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे और कंपनी में भी मिल जाएंगे। तो आप फ्री रहते हो कि कंपनी से रिप्लेस कराना है इन वारंटी या आउट ऑफ वारंटी अगर जब हो जाता है, तो वहाँ पे भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि कंपनी से भी रिप्लेस करा सकते हो, मार्केट से भी रिप्लेस करा सकते हो। तो सर्विस सेंटर से रिप्लेसमेंट आपको पता ही है कि आउट ऑफ द वारंटी काफ़ी जो है वो कॉस्टली पड़ती है। तो जो मार्केट है ना, वहाँ पे आपको जो है एक्सप्लोर करने का जो है एक ऑप्शन मिल जाता है, और वहाँ पे आपको 10 तरीके की जो है वो वैरायटी। अब जैसा कि आपको पता ही है कि ये कंपनीज जो है ना वो खुद से तो मैन्युफैक्चर करती नहीं है लैपटॉप, तो इनको इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं रहता है। और ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ना उसकी परफॉर्मेंस के फीडबैक के अनुसार उसको एनहेंस भी नहीं करती हैं। जैसे अगर आप देखोगे HP विक्टर से केस में हुआ, कंपनी को फीडबैक गया यूज़र से कि लैपटॉप में थोड़ा सा हीटिंग इशू है और स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी वॉबल करती है, जो उसके हिंजेस हैं। तो वहाँ पे कंपनी ने जो अब लेटेस्ट लैपटॉप लॉन्च करे, वहाँ पे विक्टस ने जो है HP वालों ने वो दोनों प्रॉब्लम्स के जो है सॉर्ट आउट कर दिया। तो यहाँ पे जो ये कोर कंपनीज होती हैं ना, ये यूज़र फीडबैक से इम्प्रूव होते 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 इनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है कि नए प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो क्या करना है और कहाँ पे जो है वो सुधार की ज़रूरत है। अब रही बात MSI और गीगाबाइट की, इनको मैंने बाहर इसलिए रखा था क्योंकि जो MSI और गीगाबाइट है ना, वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करा था, वो लोग मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये बात ठीक है कि मदरबोर्ड जो है वो किसी भी मशीन का वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि सारा का सारा जो सब कुछ होता है वो सब कुछ मदरबोर्ड पे ही कनेक्टेड होता है।
तो मैंने इनके लैपटॉप में देखा है कि MSI के जो लैपटॉप है ना वो थोड़ा सा हिंजेस के साइड से तो वीक है, लेकिन इनकी मदरबोर्ड की जो क्वालिटी है वो ठीक है, बट इनका जो सर्विस सपोर्ट है ना वो थोड़ा सा मेरे को कॉम्प्लेक्स लगता है। वहाँ पर इनको जो है वो काम करने की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेयर पार्ट्स मार्केट में तो अवेलेबल है ही नहीं। छोटे छोटे चार्जर और ये सब चीज़ें बैटरी वगैरह के लिए, कीबोर्ड वगैरह के लिए कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। कंपनी से भी जो है वो सप्लाई चेन में सुधार की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि स्पेयर पार्ट मिलता ही नहीं है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे जब तक लैपटॉप चल रहा है तब तक बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो ये लैपटॉप दोस्तों आप न्यू एक्सपीरियंस के लिए तो ले सकते हैं। देखिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती, जिनके चल रहे हैं लैपटॉप उनके चल रहे हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि प्रोडक्ट ख़राब बना रही है कंपनीज या मार्केट में प्रोडक्ट ख़राब डिलीवर कर रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि या तो कंपनीज मार्केट में डट के काम करें और रेगुलर स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई अपने सर्विस सेंटर और ऑफलाइन मार्केट में भी दे, ताकि जो उनके एंड यूज़र्स हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि वो सर्विस सेंटर के थ्रू रिपेयर कराना चाहते हैं या ऑफलाइन मार्केट, ऑफलाइन नहीं मतलब रेगुलर आउट ऑफ द सर्विस सेंटर वो लोग जो है वो रिपेयर कराना चाहते हैं, और डट के काम करें, प्रोडक्ट्स में एनहेंसमेंट करें। ऐसा ना करें कि मेनली एकदम से कोई प्रोडक्ट ही बंद कर दिया मार्केट में देना, जैसे अविटा और आईबॉल के केस में हुआ। अभी रियलमी ने भी अपने जो है वो लैपटॉप्स बंद कर दिए। मार्केट को ऐसे सोचें कि यार कोई कस्टमर अगर इन्वेस्ट कर रहा है उनकी कंपनी में, एक प्रोडक्ट वो खरीद रहा है, तो वो लाइफ लॉन्ग उसको जो है वो सपोर्ट दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी किया करो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल की रीच नहीं बढ़ेगी। लाइक किया करो वीडियो को, तो ताकि जो इन्फॉर्मेशन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मैं कोई ऐसे आलतू फालतू वीडियो तो नहीं बनाता हूँ, अनबॉक्सिंग वगैरह मैं अवॉइड ही करता हूँ, बट कोशिश ये कीजिए कि जो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं इनको लाइक जब आप करेंगे तो चैनल की जो रीच है वो बढ़ती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।